कैसा लगा सुनिए? बहुत बढ़िया। चौथी इनिंग में मारी थी 167 जो बनाए थे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 8 o'clock। और उठने का टाइमिंग सबका अलग अलग, किसी को सर्दी पूरी रात बहुत लगी, किसी को बॉडी में पेन बहुत रहा, तो ऐसे ऐसे सब सीक्वेंस से उठे हुए हैं। और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, एक बार चाय सबने पी ली है, अभी ब्रेकफास्ट आने लग रहा है, तो उसी की वेट में तब तक सब गप्पे हाँक रहे हैं, पुरानी सदी में चले गए, वहाँ की बातें चल रही हैं, वही सब चल रहा है। और आगे आज प्लानिंग है आगे कहीं और घूमने जाने की, तो वो साथ में आगे मैं आपको शेयर कर दूँगी। सुबह का व्यू, और ये हमारी नीचे पार्किंग। हल्की फुल्की रात में स्नो पड़ी है, हल्की फुल्की क्योंकि गाड़ियों पर हल्की हल्की जमी हुई है। और पैरट्स, ये पहाड़, सनराइज, और यहाँ पे धूप में मैं भी थोड़ी सी सिकती हूँ। धूप बड़ी अच्छी निकलती है, मॉर्निंग हो या दोपहर, पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत बेकार नहीं आई, क्योंकि कल इतनी चढ़ाई की थी तो घुटनों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था दोनों में कि भयंकर, पूरी रात घुटनों में पेन रहा। आज देख रहे हैं कहाँ का प्लान बन रहा है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कहाँ चलना है। दीदी आपको परेशान कर रही थी मॉर्निंग में, कितना? दो जब ये कह रहा है तो मतलब बहुत सारा। हाँ, और फिर आपने किसको बताया जब परेशान किया? दीदी ने, मम्मा को बता दिया। फिर मम्मा ने क्या किया दीदी के साथ? धमका दिया। ओ अच्छा, डांट पड़वा दी दीदी से? धमका दिया। अभी छोटा है ना, धीरे धीरे सीख रहा है। धमकाया। गुड। सारा सामान हो गया सेट, आ जाए। हो गया सेट, आ जाए। ओके, और अब फटाफट हम निकल रहे हैं जल्दी से, अपना जो जो ये जैकेट स्वेटर वगैरह है ना, ये उठा लेना, कुछ छूट ना जाए। सोनू आ जा। हाँ, नीचे वाले से सब बच्चा लोग पार्टी सब निकल गए अपने होटल से और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और ये हमारे होटल के जस्ट नीचे का नज़ारा है। और गाड़ी साफ होते हुए चलने के, फुल टूथ रेडी, अपनी केटल को रखते हैं अंदर, सामान सारा रेडी, जैसे पैक होकर आया था ऐसे ही रखा गया। आप और बाहर से ये था हमारा होटल, सबसे टॉप वाले दोनों रूम एक साथ कंबाइंड थे, वो दो रूम थे हमारे। गाड़ी से बाहर खड़ा होने का मेन रीजन, अभी तो निकले थे अपने, चेकआउट किया था होटल से, बाहर धूप में निकलने का मेन रीजन, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। क्या हो रहा है इसमें? अब बंद हो रही है, हमें निकाल दिया गाड़ी से बाहर। आरपीएम का ये क्या इश्यू? हो जाएगा ठीक, ठीक तो होगा कि नहीं होगा? आप करने वाले हो तो बिल्कुल होगा, तो हम एक्सपर्ट हो रहे हैं। जब तक आप ठीक करो फिर हम फोटोग्राफी करते हैं अपनी। उधर बच्चा लोग भी निकल के आ गए, चलो उनको घुमा दें तब तक, और ये पहाड़ों का जाते जाते नज़ारा ले लिया जाए। और
धूप ने, सूरज देवता ने हमारे साथ पूरा पंगा किया है। कल हमारे लिए बिल्कुल धूप नहीं निकला और गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई है। मैं उधर के रास्ते से थोड़ा इधर नीचे उतर कर आई हूँ कि थोड़ा पहाड़ और थोड़ा नज़दीक आ जाए। तो यहाँ से वो गहराई और ये पहाड़ और सूर्य देवता जी इतने प्रसन्न हैं आज हमारे से कि हमें बोल रहे हैं जाओ अपने रूट पर निकल जाओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ पहले वाली। पहाड़ों से आपको अलविदा, बाय बाय। यहाँ शॉर्ट्स बन रहे हैं भाई के। सोनी और कुछ नहीं है, रील बनानी तो बढ़िया आ गई है। सीख लिया मैंने। इसे बोतल नहीं बता रहे तुम? पोस्ट नहीं हुई। मुझे बोतल बताओ कहाँ रखी वो बिस्लरी वाली? ये रखी। यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा। पानी है क्या बाबू उसमें? दी खोल के जरा सा, खोल के दे, खोल के दे। सीर 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 कर लो। ये कर। वो पीछे से पैंट नहीं अच्छी हो रही थी, वो ऐसी हो रही थी। पैंट की सेटिंग खराब थी। खराब थी वो। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जर्नी मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई थी और अब हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। तो उतरते उतरते हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक लैंडस्लाइडिंग टाइप्स व्यू दिखाई दे रहा है। मैं आपको अभी पीछे से अपने पीछे से दिखाती हूँ ये और नीचे तक। फिर हम एक ऐसे सेल्फी भी तो लेंगे ऐसे ऐसे। हाँ ये भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वहाँ से पत्थर खिसका होगा एकदम से और नीचे तक। ये देखो ये रेलिंग वगैरह, अब वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है दोबारा से इसको ठीक करने के लिए। और ये नीचे 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 मैं थोड़ा सा ऐसे खिसका। तो झरना भी है। वाव झरना। वहाँ पे रुकेंगे उस पुल के, वहाँ मुझे ये नहीं दिखाई दिया था, उस पुल पे जाके रुकना है, वहाँ झरने के पास जाना है। सही में पानी गिर रहा है यहाँ नीचे पत्थर। फिर से हम गाड़ी से बाहर आपको दिखाते हो। वो लैंडस्लाइड उधर थी जो उधर की साइड, हम धूप वाले एरिया में थे और हम पुल क्रॉस करके आए उधर से हैं। ये पता नहीं ये काफ़ी पुराना पहला पुल होगा, अब ये शायद बंद है या इसको फिर से स्टार्ट करेंगे क्या नहीं। और मैं दिखाती हूँ, हम आए हैं इस वाले सीमेंट वाले पुल से और इधर से जो वाटरफॉल दिखाई दे रही है हम जा रहे हैं उधर। और दिखाते हैं यहाँ से ऐसे व्यू दिखाई दे रहा है, जस्ट नीचे पानी बह रहा है और उधर से हमें उस रास्ते से जाना है और वहाँ पे देखभाल हो रही है। रास्ता बनाया जा रहा है क्या? आपने मेरे वाला रास्ता क्यों चूज नहीं किया? एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ और इजी। और इन्होंने यहाँ रास्ता बनाया, फिर भी शूज जरूर भीगे होंगे। भीगे शूज। ये देखो वॉटरफॉल छोटा सा, अच्छा सा। चलो मैं ऊपर जाने की ट्राई करती हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा सा बैक गियर गिरना पड़ेगा अपना। पहले वापस जाती हूँ दूसरी डायरेक्शन में चढ़ के, उधर से है ना थोड़ा रास्ता। चलो फिर से और दो रास्ते हैं, मेन सिंपल से रास्ते से चलती हूँ मैं कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो यहाँ के लोकल पीपल्स हैं वो आते जाते होंगे इस पगडंडी वाले रास्ते से, तो मैं इसी पे चढ़कर चलती हूँ। और इधर आ जाते हैं,
इधर आ जाते हैं, वहां भी जा रहा है ना वो ऊपर। ये ऊपर तो बहुत सारा रास्ता है, चलो कुछ ये। और हम अभी ऊपर, वाओ कितने बड़े बड़े पत्थर, ओए राम जी कितना अच्छा। बस यहीं तो मैं थोड़ी पागल सी हो जाती हूँ, क्या करूँ, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो मैं अपने अंदर गार्ड के नहीं रख सकती, दिख जाती है वो। आराम से, आराम से हीरो पकड़ लो। अपने आप ऊपर पत्थर से चले गए, मुझे बोल दिया उधर से आ घूम के। दिखाई दिया ना पत्थर कहाँ कहाँ से रास्ता है। हाँ वो यहाँ बकरियाँ चढ़ी हैं, यहाँ से ये इनके चलने फिरने से पत्थर भी गिर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजरस जोन है, इधर से मैं इधर हट जाती हूँ। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। इधर से अभी ये अब मुझे देखो पत्थरों में भी कैसे पौधे उग रहे हैं। ये अपना चारा ढूंढ रहे हैं, अरे वाह इनके मालिक भी इनके साथ हैं। काफी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, और जितनी ऊंचाई पे जाओ और ऊंचाई पे जाने का मन कर रहा है। ये लो जी, हाँ बकरियों की वजह से गिर गए, देखो उनकी हिम्मत है, क्योंकि वो लोकल है ना यहाँ पे रहने वाले, तो देखो बकरियां भी कितने आराम से कि इतने खड़े पत्थर से नीचे आ रहे, वो नीचे आ भी गए वहीं से खड़ी चढ़ाई से, हम वहाँ सोच भी नहीं सकते इतनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए, और वो इतनी जल्दी नीचे भी आ गए। वही चीज़ कि जो जहाँ रहता है उसको उस जगह की हैबिट बनी होती है। चलो अब जो पानी का नजारा है वो मैं पकड़ो पकड़ो वो कौन था पत्थर। चलो चलो यार एडवेंचर तो इन्हीं में होता है, और क्या करें हम, दिख नहीं रहा तेरा कुछ मीटर है। आ जाओ आ जाओ, मैं वो बकरियां यहाँ पे पानी वानी पियेंगी, घास ऊपर से खा के आ गई हैं, पानी यहाँ पियेंगी और फिर अपने घर चले जाएंगी। कैसा लग रहा है यहाँ का? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ऊपर से। हाँ सही में बहुत अच्छा व्यू है, अगर कोई हिल स्टेशन पे आना पसंद करता है उसके लिए तो ये जन्नत है जन्नत। ये एक्चुअली चक्राता से जब वापस आते हैं ना तो वहाँ पे बीच रास्ते में ये मतलब निगाहें थाम कर देखते हुए आना पड़ता है, जहाँ भी आपको झरना से दिखाई दे वहीं चढ़ जाओ, अगर इंजॉय करना है तो वहीं चढ़ जाओ, जैसे मैं चढ़ रही हूँ अभी। और कोई बोरिंग वाला है तो वो एक बार अपनी गड्डी तक बैठेगा और फिर सीधा अपने घर पर जाकर रुकेगा। ये लो जी, कहाँ आ गए हम, इसको एक अलग ही भूत रहता है हमेशा, देखो कहाँ जाना है, मना करने के बावजूद उस तरफ दिक्कत है सोनी, उस तरफ मत जाओ, ये पेड़ों से दूर रहो बस तुम।
अच्छा पैर रखे ना आराम से, जिससे वो गीली ना हो जाए। ले लिया क्या? हाँ ठीक है, वो ऊपर की तरफ से आ रहा है ना, नीचे दिक्कत हो रही होगी। हाँ जल्दी आओ, सुनो टाइम हो रहा है। मैं तेरा हीरो, तू मेरा। ये देखो पानी कैसे गिर रहा है और यहाँ पे बबल्स, ऐसा लग रहा है जैसे पानी उबल रहा हो। और कितना साफ, बिल्कुल एक एक पत्थर दिखाई देता हुआ, मेरा हाथ भी दिख रहा है। चलो तो फिर चलें अब। पता है ये पोज दे रही है, इसको लग रहा है कि मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ। चलो इसको लग रहा है मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अलग अलग पोज दो ना। हाँ ऐसे देख, अब कितने सारे दे दिए। बकरा बना दिया मैंने इसका। हाँ जैसे मन करे वैसे ले लो। हाँ वाह वाह, देखो कितना बढ़िया पोज, फोटो एक ही क्लिक हुआ है ये। वाह 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 वाह, क्या बात है, फर्जी हो रहा है इसके साथ। ले ले यार, ये वीडियो होती तो कितना अच्छा था। हाँ सिर्फ वीडियो, तेरा पैर पानी में गिरते हुए भी आया। मेरा पैर शूज गीला हो गया, चेंज करने पड़ेंगे। कर लियो, उसमें गाड़ी में रखे हैं ऑलरेडी, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि बगल में छुरा और गांव में ढिंडोरा वाला काम, इतनी दूर तो हम चढ़ के चले गए, इतना सुंदर इतना सुंदर। और जहाँ हमने गाड़ी रोकी हुई है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में एक इतना सुंदर नज़ारा है, ये हमारे आंखों के नीचे ही रह गया। अब मैं तो देख नहीं लगी कि इधर कैसे गिर रहा है पानी, आवाज आ रही है। तो देखो क्या बेहतरीन सी जगह है, सही में क्या, यहाँ पे रास्ता नहीं है, नहीं तो पहुँच तो मैं यहाँ पे जाती। चलो थोड़ा आगे से दिखाती हूँ। ये पुल सा ना, जैसे ऐसे लग रहा है कि पहले कुछ अब तो ये दूसरा बन गया है, कि पहले थोड़ा नीचे वाले हिस्से में बना होगा तो जैसे डैमेज हो गया है तो उसके बाद दूसरा बना देते हैं, वो एज इट इज ही थोड़ा टूटा फूटा सा रुका हुआ है ऐसे ही। और चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ एक बार। ये तो पानी ऐसे बह रहा है, आगे तक पता ही नहीं कहाँ जा रहा होगा। और ये लैंडस्लाइडिंग वाला पोर्शन, जो रोड को भी डैमेज कर चुका है, अब यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही है। अच्छा सर चलो अब चलते हैं। ये सारा व्यू देखने के बाद वीडियो को करती हूँ ये पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।